साईं राम। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने देश विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी आते हैं, जो अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा को दान दक्षिणा अर्पित करते हैं। कोई सोने चांदी हीरे के आभूषण लेकर आता है, तो कोई रुपया पैसा चढ़ाता है, तो कोई फूल ही लेकर आता है, और कोई सिर्फ साईं नाम की माला लेकर आता है। सभी भक्तों का अपने इष्ट अपने गुरु को दक्षिणा अर्पित करने का नजरिया है। एक भक्त ऐसे भी हैं जो पिछले 27 वर्षों से रक्षाबंधन के दिन होने वाली टोटल सेल आय को शिरडी साईं बाबा को अर्पित करने आते हैं। कल गुरुवार 7 सितंबर 2024 को पंडरपुर निवासी 76 वर्षीय साईं भक्त तात्या साहेब गुण पाटिल परिवार सहित शिरडी पहुंचे और मध्याह्न आरती में भाग लिया। उन्होंने बताया कि पंडरपुर में उनका कपड़े बेचने का व्यवसाय है और वर्ष 1997 से वो प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन होने वाली कुल आय को बाबा को अर्पित करने आते हैं और यह परंपरा निरंतर पिछले 27 वर्षों से चल रही है। 1200 रुपए से शुरू कर यह रकम लाखों तक पहुंच गई। दर्शन उपरांत श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर ने श्री तात्या साहेब गुण पाटिल और उनके परिवार का स्वागत किया और बाबा की शॉल ओढ़ाई और प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी तुषार शैल के संरक्षण अधिकारी रोहिदास माली उपस्थित थे। इस अवसर पर साईं भक्त गुण पाटिल ने बाबा के साथ हुए विभिन्न अनुभवों को बताते हुए कहा। प्रस्तुत है हमारे ब्यूरो चीफ अयूब पठान की एक रिपोर्ट। माझं नाव चंद्रकांत गणपतराव गुंड पाटील, राहणार पंढरपूर, मूळ गाव अनगर, आणि मी बाबांचा। ओम साईराम, मेरा नाम चंद्रकांत गणपत गुंड पाटील है। मैं पंढरपूर का रहिवासी हूँ। मेरा असली गाँव अनगर है। मैं हमेशा बाबा की सेवा करता हूँ। मेरे घर की कुछ परेशानी की वजह से मुझे 10 वर्ष पहले थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने जब जब बाबा से प्रार्थना की तब तब मेरी प्रार्थना सुनकर बाबा ने मेरी परेशानी दूर करी। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ बाप से जिद करके मांगता है, वैसे ही बाबा से जिद करके मांगता हूँ और बाबा मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरा कपड़े का कारोबार है और मेरे मन में इच्छा आई कि मैं बाबा की सेवा करूँ। 15 दिन बाद राखी पूर्णिमा थी तो मन में आया कि राखी पूर्णिमा पे जो भी कारोबार हो वो मैं बाबा को दूंगा। शुरू में मुझे 1200 रुपए से कुछ ऊपर मिले, लेकिन बाबा ने मुझे 1.5 लाख तक सेवा करने का मौका दिया और मेरी सेवा कबूल की। ये मेरा पहला अनुभव। मेरा दूसरा अनुभव मेरे साथ हुआ चमत्कार। मेरा बड़ा बेटा 7 साल का था। सुबह उठते ही उसके मुंह से झाग आ रहा था और वो बेहोश था। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक वो बेहोश था। मैंने मेरे मित्र से इस बारे में कहा तो उसने कहा चिंता मत कर, बाबा की उदी लगा और थोड़ी सी चटा भी देना। और मैंने वैसे ही किया तो चमत्कार देखिए कि 5 मिनट में मेरा बेटा होश में आया, मेरा जी भर आया और मैं खुश हो गया। मेरा तीसरा अनुभव ऐसे था, मेरा बेटा बहुत नटखट है और उस बेटे को 1.5 साल बाद दिवाली जो आई दूसरे साल, तो दिवाली में मैंने उसके लिए पटाखे लाए थे, फुलझड़ियां लाई थी, बम लाए थे कि बच्चा फोड़े, दिवाली मनाए। तो बच्चे ने, मेरा बेटा नटखट होने के कारण उस बच्चे ने सारी उसके अंदर की जो बारूद था वो इकट्ठा किया एक ढेर बना के और उसके अंदर बाती लगा के और जला दिया, तो उसका आधा चेहरा काला पड़ गया। मैंने बोला बाबा ये क्या हुआ, अब इस बच्चे का आगे का भविष्य क्या है? तो उसने बाबा से मैं उदी लगाते गया और 1 महीने के अंदर मेरा बेटा जैसे पहले गोरा चिट्टा था वैसे ही हो गया। आज भी एक दाग भी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है ऐसे ही मैं बाबा से मांगता हूँ और बाबा का उपकार कभी भूल नहीं सकता। और यह सेवा मैं पिछले 27 साल से अविरत कर रहा हूँ और बाबा कबूल भी कर रहे हैं। अयूब पठान, साईं लीला टाइम्स शिरडी। कृपया साईं लीला टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम।